Hello everyone and welcome to the channel Vigil Millions. Subscribe करें for the freshly content और हर नए updates के लिए bell icon को दबाना ना भूलें. Hello guys, welcome back to the channel Vigil Millions. This is Prashant Moris. Honda Amaze 2018 के और Swift Desire 2017 के buying के दौर पे बहुत सारे लोगों का confusion रहता है. Which one to choose because both have the best qualities but ek cheez unhe koi prefer karna rehta hai so wo confused rehte hain so I thought let's make a video ki chote chote doubts ko clear kiya jaye so agar aap aane wale samay mein agar us cheez ko buy kar rahe hain to aapko confusion zyada na ho so let's directly start the video. Shuruaat karte hain car ke sabse important pehlu se and that is the front look. Front look plays very important role in making car really look awesome. अगर आप Swift Desire में देखते हैं तो आपको bold look देखने मिलता है and front grill को भी एक well perfect shape में इन्होंने रखा है. But अगर आप Honda Amaze की ओर आते हैं so आपको sleek, edgy और sharpen वाले design आपको देखने को मिलेगा. Swift Desire में जो साइड लुक और हेडलैम्प्स जो थोड़े से चौड़े होते थे इसके प्रीवियस नॉन अपग्रेडेड मॉडल में उसमें वो चीज़ थोड़ा सा भद्दा लगता था बट इन्होंने इसमें वो वेल प्रपोर्शनड के हिसाब से मेंटेन किया है और फ्रंट ग्रिल को भी एक मेंटेन्ड वे में रखने की पूरी कोशिश करी है. होंडा अमेज के फ्रंट लुक को आपको एक ग्लैंस में बुल का हल्का सा लुक मिलता है बट वन थिंग इज रियली लैकिंग इन दिस इज कि इनके टॉप मॉडल में भी आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स नहीं मिलेंगे वो सिंपल हैलोजन लैम्प्स ही मिलेंगे. अब आते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में दैट इज द डीआरएल्स. डीआरएल्स आपको स्विफ्ट डिजायर में ZDI एंड ZXI प्लस मॉडल में ही मिलेंगे विद प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स बट अगर आप होंडा अमेज में आते हैं तो ये आपको दो मॉडल्स में मिलते हैं दैट इज V एंड VX इन बोथ पेट्रोल एंड डीजल वेरिएंट व्हिच इज रियली गुड. अगर आप होंडा अमेज के कलर ऑप्शन में जाते हैं तो आपको पांच कलर ऑप्शन मिलेगा व्हाइट ऑर्चिड पर्ल, रेडिएंट रेड, लूनार सिल्वर मेटालिक, गोल्डन ब्राउन मेटालिक एंड मॉडर्न स्टील मेटालिक. और आप अगर स्विफ्ट डिजायर के कलर ऑप्शन में जाते हैं तो ये आपको छह कलर ऑप्शन देता है ऑक्सफोर्ड ब्लू, सिल्की सिल्वर, शेवुड ब्राउन, पर्ल आर्टिक व्हाइट, मैग्मा ग्रे एंड गैलेंट रेड. सो ये टोटल आपको सिक्स चूजिंग कलर ऑप्शंस मिलते हैं. इंजन के बारे में अगर आप बात करें सो 1498 सीसी का इंजन आपको होंडा अमेज के डीजल देता है और स्विफ्ट डिजायर 1248 डीजल इंजन आपको देता है. पावर के बारे में बात करें सो 99 bhp अमेज देता है आपको और सिर्फ 74 bhp आपका स्विफ्ट डिजायर देता है. टॉर्क 200 nm टॉर्क एट द रेट 1750 rpm आपको ये होंडा अमेज में मिलेगा और स्विफ्ट डिजायर में अगर आप जाएंगे सो 190 nm एट द रेट 2000 rpm देखने को मिलेगा. माइलेज में 27.4 आपका डीजल इंजन देता है होंडा अमेज और वही आपका स्विफ्ट डिजायर 28.4. ABS ऑफ कोर्स दोनों में है. कर्व वेट के मामले में जाएंगे सो 1023 आपको kg होंडा अमेज का है और स्विफ्ट डिजायर का 970. व्हील बेस आपको 2470 mm आपका मिलेगा होंडा अमेज में और 2450 आपका मिलेगा स्विफ्ट डिजायर में. फ्यूल टैंक 35 लीटर्स आपको मिलेंगे होंडा अमेज में और स्विफ्ट डिजायर में आपके 37 लीटर्स. सो ए टू जेड अगर आप देखेंगे सो दोनों कंपैरेटिवली अच्छे हैं. एक में अगर किसी चीज की लैकिंग है तो दूसरे में वही कवर अप किया गया. लास्ट आपको बूट स्पेस मिलता है जो कि 420 लीटर्स आपको होंडा अमेज में मिलेंगे और वही आप अगर स्विफ्ट डिजायर में जाते हैं
सो 378 लीटर्स के आपको बूट स्पेस मिलेंगे। अब अगर इंटीरियर्स की तरफ हम आए तो मुझे इंटीरियर्स होंडा अमेज का काफी ज्यादा बेहतर लगा बिकॉज ये आपको एक प्रीमियमनेस देता है इंटीरियर्स में। आप चाहे सीट क्वालिटी की बात करें या डैशबोर्ड की, एवरीथिंग इज इन द परफेक्ट मैनर। डैशबोर्ड को एक पियानो फिनिश टच में रखा गया है जो कि इसके प्रीमियमनेस को और ज्यादा बढ़ाता है। अब बात करते हैं सेफ्टी फीचर्स की, तो इसके बेस मॉडल से ही दैट इज ई मॉडल आपको 12 एयरबैग्स मिलेंगे और एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम विद ईबीडी मिलना शुरू हो जाता है इसके बेस मॉडल से, विच इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। और अगर आप टॉप मॉडल में जाते हैं दैट इज VX, सो आपको 17.7 सेंटीमीटर का एडवांस इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा विद GPS एंड एप्पल कार प्ले, जो कि इस कार को और ज्यादा खूबसूरत बनाता है इंटीरियर्स के वे में। और आप अगर रेयर पार्किंग सेंसर्स के बारे में बात करें सो इट्स गुड, वॉइस कमांड भी दिया हुआ है, क्रूज कंट्रोल भी है एंड A to Z एवरी फीचर्स इज लोडेड इफ यू बाइंग द VX मॉडल। पर अगर आप ई मॉडल में भी जाते हैं तो A to Z आप काफी दौर पे संतुष्ट रहेंगे। कंपेयरिंग टू होंडा अमेज अगर आप इंटीरियर्स के बारे में बात करें तो स्विफ्ट डिजायर में वो चीज लैकिंग लगता है बिकॉज जैसा आप इंटीरियर्स देखते हैं होंडा अमेज का वो काफी ज्यादा प्रीमियमनेस दिखता है, बट अगर आप आते हैं स्विफ्ट डिजायर में सो वो चीज काफी लैकिंग आपको मिलेगी। बट एक कॉम्पैक्ट सेडान के दौर पे जो मारुति सुजुकी हो सकता था उन्होंने लाने की कोशिश करी है, ये सिंपली आपको ड्वेल टोन इंटीरियर्स में मिलेगा और जो इंफोटेनमेंट सिस्टम आप देख रहे हैं ये टॉप मॉडल का नहीं है। जैसे ही आप पेट्रोल के टॉप में जाते हैं दैट इज ZXi+, जो एक्स शोरूम प्राइस 7.96 है, और ZDi+ जो डीजल का वेरिएंट है ये आपको 8.96 लाख एक्स शोरूम प्राइस मिलेगा। इसमें अगर आप जाते हैं तो ये इंफोटेनमेंट सिस्टम और आपका टच स्क्रीन ये टॉप मॉडल में आपको देखने मिलता है।